नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आए हैं खरगोन जिले की सनावत तहसील के गांव मोगावा में। यहां पर आने का एक विशेष कारण है कि यहां पर मिर्च में सिर्फ एक चीज चली है, ड्रिप से। इसके अलावा किसान भाई ने उसमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आप मिर्च की हाइट देख सकते हैं, मिर्च की क्वालिटी देख सकते हैं, पत्ते देख सकते हैं, फल का साइज देख सकते हैं। अब तो कौन सा प्रोडक्ट है और इसको किस तरीके से उपयोग किया है, कौन सी कंपनी का है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, क्या होता है जब हम मिर्च ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद में 10 से 12 दिनों में हमको इसमें एनपीके की ग्रेड स्टार्ट करना पड़ती है। जैसे शुरुआती अवस्था में तो हमें पता है कि 19-19-19 चलाना है, 12-61-0 चलाना है, कुछ ग्रेड हमको नॉर्मली पता होती है। लेकिन इसके बाद में बाजार में आज इतनी सारी ग्रेडें हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार कौन सी ग्रेड ला के चलाऊँ, कौन सी नहीं चलाऊँ, कौन सी कब चलाना है, कौन सी कब चलाना है, इसमें हमको समझ नहीं आता है। और फिर कहीं ना कहीं हम अननेसेसरी खर्च कर जाते हैं और फिर हमारा जो उत्पादन है, जो पौधे की क्वालिटी, वो हमको देखने को नहीं मिलती है। तो आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आज आपकी जो एनपीके की ग्रेड है, सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद में आपके सारे काम हो जाए। बस आपको उसको एक बार शेड्यूल बनाना है और पर डे या 5 दिन में या पर वीक आपको उसको चलाते रहना है। तो आज हम बात कर रहे हैं श्रीराम कंपनी की दो वेजिटेबल ग्रेड के बारे में। सबसे पहला है ड्रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट और दूसरी है ड्रिपीट वेजिटेबल सेकंड। तो जो वेज फर्स्ट की बारी आती है किसान भाइयों, तो इसमें है 18% आपका नाइट्रोजन है, 15% आपका फास्फोरस है, 16% आपका पोटास है। इसी के साथ में 4% इसमें सल्फर की मात्रा भी उपलब्ध है। सल्फर पौधों में ग्रीनरी बढ़ाने का काम करता है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ाता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाता है और भी कई सारे काम वो करता है हमारी फसलों में। तो शुरुआती अवस्था से ही अगर हमारी फसल को मिलते जाएगा तो हमारी फसल सुंदर और स्वस्थ हमको मिलेगी। इसी के साथ में इसमें कुछ कंटेंट और ऐड हैं, जैसे कि बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन जैसे पोषक तत्व भी इसी ग्रेड के अंदर शामिल है। अब होता क्या है कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल तो हम खाते रहते हैं, लेकिन काजू बादाम कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। और इन फसलों के लिए ये जो पोषक तत्व हैं, ये काजू बादाम का काम करते हैं। मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, हमारी फसलों को बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता होती है। तो जो ड्रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट है, इसमें हमको ये पोषक तत्व देखने को मिलेंगे, तो हमको अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमारा पौधा ट्रांसप्लांट हुआ, उसके 15 से 20 दिनों के बाद में हमको ये ग्रेड स्टार्ट कर देनी है और इसको लगभग 50 दिनों तक, जब तक कि हमारा पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में नहीं आ जाता, उसके पहले पहले हमको वेज फर्स्ट का उपयोग करना है। अब 50 दिनों के बाद में हमको उपयोग करना है वेज सेकंड का। वेज सेकंड की अगर एनपीके की ग्रेड की बात करें तो 15-10-30, 15% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरस और 30% पोटास। पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा है क्योंकि फूल और फलों की अवस्था में हमारा पौधा होगा, इसलिए इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा है। इसी के साथ में किसान भाइयों, इसके अंदर भी 4% सल्फर और इसके अंदर भी टी है, ट्रांस एलिमेंट तत्व इसके अंदर भी है, पोषक तत्व इसमें भी है, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व ग्रेड सेकंड यानी कि वेस्ट सेकंड में भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। आज हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, सनावत तहसील का मोगावा गांव में ये प्लॉट है, 4.5 एकड़ का प्लॉट है। आज इस प्लॉट में एनपीके की किसी भी प्रकार की कोई ग्रेड का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ श्रीराम कंपनी का ड्रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट और श्रीराम कंपनी का ही ड्रिपीट वेजिटेबल सेकंड का उपयोग हुआ है। तो हम आज इन किसान से जानेंगे कि इन्होंने ड्रिपीट का कैसे उपयोग किया है, कितनी मात्रा में उपयोग किया है और आज कितने दिन का इनका पौधा हो गया है और इन्होंने आज मिर्च से कितना उत्पादन लिया है। जय राम जी की भैया। जय राम जी की सर। सबसे पहले किसान भाइयों को आपका परिचय दे दीजिए। मैं पवन खुजरिया, ग्राम मोगावा, तहसील सनावत, जिला खरगोन। पवन भैया, इस मिर्च को कितने दिन हो गए आपको लगाए हुए, ट्रांसप्लांट करे हुए? ट्रांसप्लांट इसको 11 तारीख को करी थी, इसको लगभग आज की स्थिति में हो गए 3 महीने। इसमें आपने ड्रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट का उपयोग शुरुआती दौर में किया था। कितने दिनों में चालू किया था आपने इसको? मैंने लेट चालू 15 दिन, ट्रांसप्लांट के 15 दिन बाद चालू किया, ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद चालू किया था। इससे पहले आपने कोई एनपीके की ग्रेड इसमें चलाई थी? सिर्फ 4 बोरी फर्टिलाइजर में डीएपी दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। बेसल में 4 एकड़ में 4 बोरी डीएपी दिया है, इसके अलावा आपने इसमें एनपीके के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें ड्रिपीट वन आपने कैसे उपयोग किया था? मतलब 5 किलो 5 दिन में, पर 1 किलो एकड़ पर डे के हिसाब से 1 किलो, मतलब 5 दिन में 5 किलो चलाते थे।
पाँच दिन में 5 किलो। देखिए इसके डोज की अगर हम बात करें ना किसान भाइयों, तो इसको आपको 1 किलो पर डे पर एकड़ के रूप से आपको इसको चलाना है। मतलब अगर आप 1 किलो 1 एकड़ में रोज चला दें, या फिर 5 किलो 5 दिन में 1 एकड़ में चला दें, या फिर आप 7 किलो 7 दिन में 1 एकड़ में चला दें, आप कैसे भी करके आपके टाइम के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कितने दिनों तक इसको रिपीट को चलाया? 50 दिन तक रिपीट वन चलाया। रिपीट वन 50 दिन तक, मतलब 5-5 किलो आपने 10 बार 50 दिनों में चला दिया था। इसके बाद फिर रिपीट वेजिटेबल टू चलाना चालू किया आपने 50 दिन के बाद में। उसको फिर कैसे चलाया आपने? वो वैसे 5 दिन में 5 किलो 5 दिन में 5 किलो। इसके अलावा आपने फिर ड्रिप से कुछ भी नहीं चलाया? फफूंदी नाशक चलाए होंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं चलाया अभी। अच्छा, ड्रिप से आपने कोई फफूंदी नाशक भी नहीं चलाया। देखिए क्या होता है किसान भाइयों, जब पौधा स्वस्थ रहेगा, अपनी एनर्जी बनाकर रखेगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बनकर रहेगी और उसमें बीमारियों का अटैक भी कम होगा। और वही यहाँ पर पवन भैया के यहाँ हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे ये जो रिपीट वन या टू कोई फफूंदी नाशक का काम करेगा, लेकिन पौधे में एनर्जी बनाकर रखेगा, जिसके कारण इस पर बीमारियां नहीं आने देगा। इसके अलावा रिपीट टू चलाते चलाते आज कितने दिन हो गए? ये मतलब 25-30 मतलब 1 महीना लगभग होने में आ गया। 1 महीना लगभग होने में आ गई। इससे आपने कोई तुड़ाई ली है या नहीं ली? एक बार तुड़ाई ली होगी। हरी कितने क्विंटल की इसमें हरी मिल चाहिए आपकी? ये मान के चलो 15 क्विंटल एकड़ के हिसाब से भी आई है। मतलब 4 एकड़ में करीब 60 क्विंटल की आपकी तुड़ाई आई है, तो बहुत अच्छा उत्पादन है किसान भाइयों। इस साल के हिसाब से अगर 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसमें अभी भी देख सकते हैं इसमें फ्रूट कितना बढ़िया तरीके से सेट हुआ है। उसी के साथ में जो फल का ठोसपन है वो काफ़ी अच्छा है, फल एकदम कड़क है। और इसमें अगर हम बीजों की संख्या देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और बीजों का साइज भी काफ़ी अच्छा है। रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट और सेकंड जो ग्रेड है ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्लॉट में काम कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एक बार श्रीराम कंपनी का रिपीट वेजिटेबल टू और फर्स्ट का उपयोग जरूर करके देखेंगे। तो भैया आप संतुष्ट हैं इन ग्रेडों के उपयोग करके? बिल्कुल संतुष्ट। अन्य किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अन्य किसान भाइयों को बोलेंगे सभी चीज डालने की वजह एक ही चीज डालने तो अच्छा फायदा रहता है, जैसे ड्रिप वन और ड्रिप टू, बाकी हाँ। अन्यथा कुछ नहीं, जैसे 0-52-34-12-61 कुछ नहीं डाला इसमें। आप मिर्ची कब से लगा रहे हैं? मेरे को मिर्ची लगाते समय तो अपने मतलब पूरा कई सालों से लगती आ रही है। तो आपने इसी साल रिपीट वेजिटेबल फर्स्ट और वेजिटेबल सेकंड का उपयोग किया है, तो अन्य सालों के मुकाबले इस साल खर्च में आपको क्या परिवर्तन देखने को? खर्च कम रहा और उत्पादन अच्छा दिख रहा है। बाकी और कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है पवन भैया इस ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को लेकर? इसमें एक देखने को मिला, जैसे अभी अपने हरी तुड़ाई थी मिर्ची, तो हरी जो व्यापारी लेने आते थे तो वो दूसरी अन्य मिर्ची को जैसे 35-36-37 रुपए तक बिकी, 38 रुपए बिकी, हाँ। और इसमें ये 40-42 रुपए तक। अच्छा, मतलब फल की क्वालिटी आपको लेने का मतलब कि वो मतलब फल की हाँ। साइज वगैरह सब अच्छी रही इसमें। ये देख सकते हैं किसान भैया फल का साइज आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और फल की साइनिंग जो है वो भी काफी आपको अच्छी देखने को मिलेगी साइनिंग। और इसी के कारण पवन भैया बोल रहे हैं कि मार्केट से उनको 2-3 रुपए का रेट इसमें ज्यादा मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन भैया।